संजय दत्त ने 350 लड़कियों के साथ किए अफेयर, लिस्ट में रेखा माधुरी जैसी एक्ट्रेस शामिल। आज हम आपको बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त के बारे में बताएंगे और उनके नजदीकी रिश्ते के बारे में बताने वाले हैं कि उनकी कितनी गर्ल फ्रेंड रह चुकी है। संजय दत्त खलनायक हीरो माने जाते हैं। उनके नजदीकी रिश्ते के बारे में बता दें कि इनको लड़कियों के साथ अटैचमेंट का बहुत ज्यादा शौक था। उन्होंने अपनी फिल्म संजू में भी बहुत सी बातों का जिक्र किया, जिसमें 308 गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बनाने की बात की। इसने रो उंडा फिगर में 350 से ज्यादा लड़कियों के साथ सहवास किया। आज हम आपको उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में बताने वाला जो काफी ज्यादा मशहूर हस्ती है। बॉलीवुड की खूबसूरत हसीना रेखा के बारे में बता दें कि यह भी संजय दत्त के साथ रिश्ते में आ चुकी थी। दोनों की शादी की खबरें भी आई, लेकिन कुछ दिन बाद में उनका रिलेशनशिप टूट गया था। यह एक समारोह में नजदीकियों में दिखे थे। संजय दत्त के रिश्ते ऋचा शर्मा के साथ जुड़े, जब वे ड्रग्स की लत की वजह से अमेरिका में इलाज करवाने गए। उनकी मुलाकात ऋचा से हुई। कुछ समय डेट के बाद उन्होंने 1987 में शादी कर ली, जिसके बाद दोनों की एक बेटी त्रिशला भी हुई। 1996 में ऋचा की कैंसर की वजह से मौत हो गई। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के रिश्ते भी काफी ज्यादा नजदीक रहे। 1991 में इन्होंने साजन फिल्म के दौरान आशिकी जमकर की। दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन 1993 में संजय दत्त को जेल जाना पड़ा और इनका रिश्ता टूट गया था। टीना मुन्नीम की बात करें तो यह भी संजय दत्त के साथ नजदीकी रिश्ते में आ चुकी है। रॉकी फिल्म में यह दोनों एक साथ नजदीक आए थे। 2 साल तक रिश्ता निभाने के बाद में दोनों का ब्रेकअप हुआ। टीना मुन्नीम ने संजय दत्त को छोड़ा। उसके बाद राजेश खन्ना के साथ रिश्ते बने। उसके बाद राजेश खन्ना से रिश्ता टूटने के बाद अनिल अंबानी से शादी की थी।